नमस्कार। आजकल जब हम किसी कलाकार का इंटरव्यू देखते सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट जरूर सुनाई देता है या पढ़ने मिलता है कि संगीत में समयानुसार बदलाव की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि आज का जो संगीत प्रस्तुतिकरण का माहौल बना हुआ है महोत्सवों का, जिसका जिक्र पिछली बार मैंने किया था, उसकी जरूरत है। बदलाव की जब बात करते हैं हम तो क्रिकेट जरूर याद आता है। बचपन में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होता था, 5 दिन का मैच, बहुत स्लो चल रहा है, एक एक दिन कुछ भी नहीं होता है, एक भी विकेट नहीं गिरता है। फिर जाके इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया जब वनडे क्रिकेट आया। वनडे भी आपको याद होगा तो शुरू हुआ था 60 ओवर की मैच से, आगे चल के ये 60 ओवर भी ज्यादा लगने लगे तो 50 ओवर का मैच बन गया वनडे का। फिर ये वनडे भी बड़ा लगने लगा, वो भी बोरिंग होने लगा। फिर आया 2020, झटपट क्रिकेट आ गया। अब 2020 में पूरा पर्पस ही चेंज हो रहा है क्रिकेट का, सिर्फ चौके और छक्के दिखाई देने लगे। अब सुनते हैं कि 2020 से आगे बढ़ के 10 ओवर का भी क्रिकेट आ जाएगा। इसी तरह संगीत में भी जब मेरे सुनने की शुरुआत हुई थी 70s में, रात भर चलते थे प्रोग्राम, एक ही कलाकार की महफिल है, शुरू होती है, एक राग हो गया बड़ा, दूसरा राग बड़ा हो गया, फिर एक कोई छोटा राग हो गया, फिर एक कोई सेमी क्लासिकल हो गया, फिर इंटरवल हो गया, और उसके बाद फिर से एक बड़ा राग से शुरू करता है कलाकार। 4-5 घंटे अच्छी तरह से चलता है प्रोग्राम, श्रोता बहुत इंटेंट से सुन रहे हैं उसको। यह जो ठहराव है अपने संगीत का, ये मेरे ख्याल से अपने संगीत की आत्मा है। हमारा संगीत जो है, जिसे हम क्लासिकल संगीत कह रहे हैं, सो किसी भी क्लासिकल चीज की डेफिनेशन ही यही है कि उसमें बदलाव जो है, उसके साइकिल बड़े हैं, उसके बदलाव तत्कालिक कंटेम्परेरी नहीं है। शास्त्रीय संगीत ही हम जब देखते हैं तो 1000 साल से भी ज्यादा चलते आ रहा है, और उसका प्रस्तुतिकरण का जो बदलाव है उसके साइकिल बहुत बड़े हैं। 3-3, 4-4 शतक तक ध्रुपद गायकी चलती है, उसके बाद में वो बदल के ख्याल हो जाता है। तो होगा क्या अब, ये जब मैं सोचता हूं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लगता है कि शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुतिकरण में भी 2 जॉनर्स बन जाएंगे। एक होगा आर्ट म्यूजिक, दूसरा होगा पॉपुलर म्यूजिक। जैसे हमारे उसी समय में 2 तरह की फिल्में होती थी, एक आर्ट मूवी होता था और एक पॉपुलर मूवी होता था, लेकिन इन दोनों के बीच में ऋषिकेश दा जैसे कलाकार थे जो दोनों साइड्स में अपनी जगह बनाए रखे थे। तो शायद शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुतिकरण में भी एक तरफा बैठक का संगीत होगा, जिसमें ठहराव है, एक ही कलाकार का गाना आपको 3 घंटे सुनने मिल रहा है, और दूसरी तरफ है ये महोत्सव जहां पे आप एक ही सेशन में 4 या 5 कलाकारों को सुन रहे हैं 1.5 घंटा 1 घंटे तक। और कई कलाकार बहुत अच्छे हैं, कई कलाकार ऐसे भी होंगे जो दोनों तरफ अपनी जगह बनाए होंगे।